साहब मिल गए, कोई बोलता अंसारी साहब मिल गए, कोई बोलता जाफर पाशा खामोश बैठे। अरे भाई ऐसा लगता है कि तुम क्या सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी तुम्हारे कुदरत भी क्या है, टीम बी टीम सी टीम की। और ये संघ परिवार के लोग इसको मार देंगे, मारो ना मारो, मैं मरने तैयार हूँ। मेरा ईमान यह है कि मैं जब पैदा हुआ अपनी माँ की कोख से अल्लाह ने मुझे पैदा किया, तो मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, और जब अल्लाह नहीं चाहेगा चले जाऊंगा। मुझे तो मारो, मैं शहादत चाहता हूँ, मैं शहादत चाहता हूँ, मारो। तुम में अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ, ये बबर पक्का मत दो मुझे, मैं अकेला फिरता हूँ, अकेला फिरता रहूंगा। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो मारो गोली, मैं मरने तैयार हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जब अल्लाह के पास जाऊं तो मेरे आमाल तो कुछ नहीं है, कम से कम मेरी शहादत सरकार के सदके में मेरे लिए बाज़े मग़फ़रत बनेगी। तुम ये समझ रहे कि समंदर में कूद कर हम लोग गहराई से शिकायत करेंगे? नहीं करेंगे। समंदर में कूद गए मोदी जी, तुम्हारा तूफान हमारे आजम के सामने हिट साबित होगा। जब समंदर में कूद गए तो इस समंदर के जंगली जानवरों से हमको डर नहीं है, हमको अल्लाह से डर है, क्योंकि समंदर में तूफान लाने वाला और इस तूफान में हमारी कश्ती को किनारे पहुंचाने वाला अल्लाह ही रहेगा इंशाअल्लाह होता। तो मेरे भाई जहां से एक सवाल करूंगा, क्या आप इस काले कानून के खिलाफ हैं? क्या आप इस काले कानून के खिलाफ हैं? क्या आप एनपीआर एनआरसी के खिलाफ हैं? हमारी मां बहने आपकी हाथ उठा सकती है, माशाल्लाह। देखो हमारी मां बहने हाथ उठा लिए मोदी जी। ये मुस्लिम महिलाओं का एम्पावरमेंट है मोदी जी, हमारी मां बहने हाथ उठा लिए। इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे जमहूरी तरीके से इत्तेहाद करेंगे। क्या आप भारत को बचाएंगे? क्या आप भारत को बचाएंगे? क्या आप तेलंगाना से फिरका परस्ती का खात्मा करेंगे? क्या आप भारत को सेकुलर रखेंगे? शुक्रिया। वाखर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।